मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, शॉर्ट में क्या लिख दोगे? MOT। तुम इधर आओ, आओ पार्थ। घुसपुस 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 बातें चलती तुम्हारी है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। क्या है, क्या हो गया? इधर लाओ, इधर लाओ। जय श्री दुहित। ये इसने मारा है, तेरे लक्षण सही नहीं लग रहे मेरे को। अब ये पीछे चल दिया, समझ नहीं आती तुम्हारी क्लास की कहानी। और तुम लोग कंटिन्यूसली बात कर रहे हो, कितना भी धीरे बात करो, मालूम है वो आवाज जैसे वो मच्छर गु, फिर तुम पीछे करते हो उसको, फिर आ जाते गु, वैसे आवाजें आती रहती है तुम्हारी। उसकी तरफ यूं मत करो, तुम्हारे लिए बोल रही हूँ मैं प्रिंस। हाँ तुम नहीं हो नूर, तुम नहीं हो नूर। चलो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कब आई? 1932। हालांकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल किसने दी? हुंड एंड मिलिकन, राइट? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? अब इसके मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है थ्योरी के, एक एक करके लिखते जाना। क्या कहती है थ्योरी? ये कहती है कि जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल में, है ना? एटम में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। ऐसे ही मॉलिक्यूल में भी तो मिलेगा इलेक्ट्रॉन आपको, तो वो कहाँ मिलेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो जैसे एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूल में क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लिख लो पहला पॉइंट, लाइक इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन एटम्स, इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन मॉलिक्यूल्स। तो एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, वैसे ही मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब मॉलिक्यूल बनता कैसे है? एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है ना, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो जब एटम कंबाइन हुए तो मॉलिक्यूल बना, एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बन रहा है, उसका मतलब क्या है? उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, राइट? तो सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे क्या बनाने के लिए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब ऐसा होगा, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट होंगे, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी आइडेंटिटी पूरी तरीके से खो देंगे, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल कंप्लीटली नए ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। उस नए ऑर्बिटल को ही हमने क्या बोला है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एंड इन दिस प्रोसेस एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूज देयर आइडेंटिटी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूज देयर आइडेंटिटी, वो कंप्लीटली नए ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, अब कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर सकते हैं जिनकी एनर्जी और ओरिएंटेशन सेम होता है, जिनकी एनर्जी बराबर है और जिनका ओरिएंटेशन बराबर है? सिर्फ वही कंबाइन करके क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी एंड ओरिएंटेशन, which have same energy and orientation can combine to form molecular orbital. Only those atomic orbitals which have same energy and orientation
कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मतलब 1s 1s का कॉम्बिनेशन कर सकते हो आप, चल जाएगा। 2s 2s का कॉम्बिनेशन कर सकते हो आप, चल जाएगा। लेकिन आप सोचो कि 2s या 2s और 3p का कॉम्बिनेशन कर दें, इस तरीके से नहीं चलेगा। एनर्जी बराबर होनी चाहिए, ओरिएंटेशन बराबर होना चाहिए। ओरिएंटेशन बराबर होने का मतलब है, सपोज मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड मान लिया, जो बाय डिफॉल्ट अपन मानते भी हैं। सपोज मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड मान लिया, तो एस की ओवरलैपिंग किससे हो सकती है? पी जेड से हो सकती है, पी एक्स और पी वाई से नहीं हो सकती, क्योंकि ओरिएंटेशन सेम नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी भी बराबर होनी चाहिए और ओरिएंटेशन भी बराबर होना चाहिए, तभी वो कंबाइन करके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिख लो। अच्छा, आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल कैसे करते हो? पढ़ा हुआ है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल कैसे करते हो? हाँ, होन्स रूल के अकॉर्डिंगली तो पेयरिंग होती है, फिलिंग होती है अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। जिसकी कम एनर्जी वो पहले फिल होगा, फिर उससे ज्यादा, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल होंगे। तो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल फिल होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कम से शुरू होते हुए ज्यादा तक जाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट लिख लेना, लाइक अटोमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, लाइक अटोमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब जैसे वहां आपने एक सीक्वेंस पढ़ी है ना, यहां पर भी अपन एक सीक्वेंस पढ़ेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर की। ठीक है, फिफ्थ क्या आ जाएगा? अटोमिक ऑर्बिटल्स, देखो मैं पॉइंट लिख रही हूँ, तुम जरा पढ़ के सोचने की कोशिश करो, तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं। अटोमिक ऑर्बिटल्स आर मोनोसेंट्रिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। अटोमिक ऑर्बिटल्स आर मोनोसेंट्रिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। सोच के बताओ, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है ये पॉइंट? एक, दो। मोनो सेंट्रिक, पॉली सेंट्रिक। अब सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस। सेंटर क्या है? न्यूक्लियस। एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब एक एटम ऑर्बिटल है, एक एटम इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिर्फ एक न्यूक्लियस के आसपास होगा ना, एटम का। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ, वो एक न्यूक्लियस के अराउंड होगा ना। और मॉलिक्यूल में क्या होंगे? दो या दो से ज्यादा एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल में, तो दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस भी तो होंगे ना। तो वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, वो बहुत सारे न्यूक्लियाई की तरफ अट्रैक्टेड होगा ना। तो ये अगर आपने कार्बन ले लिया, इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो कार्बन का ही एक न्यूक्लियस है ना, जिसके अराउंड सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन आपने इसका मॉलिक्यूल बना दिया, से आपने CO बना दिया, अब इसमें दो न्यूक्लियाई आ गए ना, एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का। तो जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, वो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के न्यूक्लियाई से अट्रैक्टेड होगा। आपने इसको CH4 में कन्वर्ट कर दिया, अब वहां पर 5 न्यूक्लियाई आ गए, एक कार्बन के 4 हाइड्रोजन के। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उन न्यूक्लियस के ही तो आसपास होगा ना, 5 के। तो पॉलीसेंट्रिक कौन हो गए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और मोनोसेंट्रिक कौन होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, लिख लो इसको, अपने अगर वर्ड्स में लिखना है तो लिख लो। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या होगा? एक ही न्यूक्लियस होगा एटम का। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा? बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे। क्या ये समझ में आ गया? एटॉमिक ऑर्बिटल के नाम क्या क्या होते हैं?
ऑर्बिटल के बेटा ऑर्बिट के होते हैं KLM, SPDF होते हैं ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स SPDF होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं सिग्मा पाई डेल्टा, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है, तो किस तरीके का बॉन्ड बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम हमने उस हिसाब से रखे हैं, सिग्मा पाई डेल्टा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड एज SPDF, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड एज SPDF एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड एज सिग्मा पाई डेल्टा। अब ये तीन काम में आए हैं, आगे होगा तो आ जाएंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए SPDF और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए सिग्मा पाई डेल्टा। क्लियर यहां तक? पिक्चर बनी? एटम से बन रहा है मॉलिक्यूल, एटॉमिक ऑर्बिटल से बन रहे हैं मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब वो कैसे बनते हैं ये अब अपन देखेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बन रहे हैं ये अभी अपन बात करेंगे। ठीक है, कर दूं रहा, लिखो हेडिंग, लिखो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है? एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है, एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनता है, उस कॉम्बिनेशन को अपन बोलते हैं LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल बेसिकली क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल कोई जगह है क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल इज इलेक्ट्रॉन वेव, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उसी को अपन ने क्या बोल दिया? ऑर्बिटल बोल दिया। जहां उसके मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है उसी को अपन ने क्या बोल दिया? ऑर्बिटल बोल दिया। तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल को इमेजिन कैसे करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में ही तो इमेजिन करेंगे ना। जहां पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है एटम में, वो क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन वेव है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर पढ़ा है ना, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। वेव नेचर कब शो होता है? वेव नेचर कब शो होता है इलेक्ट्रॉन का, और पार्टिकल नेचर कब शो होता है इलेक्ट्रॉन का? हाँ, किसमें? मासलेस, मतलब एक सिंपल लाइन में समझो, बहुत सिंपल। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में घूम रहा है, मतलब न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, वो वेव नेचर शो करेगा। ठीक है, पर अगर वो किसी एटम, दूसरे एटम से इंटरैक्ट कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो बाहर निकल रहा है, वो अंदर आ रहा है, वो पार्टिकल नेचर शो करेगा। सिंपल। अभी अपन क्या बात कर रहे हैं? एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में क्या कर रहा है? न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है। दूसरा एटम है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव के फॉर्म में, वो उसके न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है। अब इन दोनों का हमें क्या करवाना है? कॉम्बिनेशन करवाना है। ठीक है, फिजिक्स में वो पढ़ा है इंटरफेरेंस, दो वेव्स कंबाइन होती हैं, पढ़ा है ना, एक वेव ऐसी दूसरी वेव ऐसी, दोनों मिल जाएंगी, दोनों मिलकर दो पॉसिबिलिटी, एक बड़ी वेव बन जाएगी या फिर एक छोटी वेव बन जाएगी, पढ़ा है ना, बस वही कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं अपन। तो एटॉमिक ऑर्बिटल को हमें अभी कैसे इमेजिन करना है? इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में इमेजिन करना है। और जब आप वेव नेचर कंसिडर करते हो तो वहां पर आ जाता है उसका वेव फंक्शन साई। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी है ना, है ना? तो वेव, जब इलेक्ट्रॉन को आप वेव के फॉर्म में कंसिडर कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन वेव का क्या होगा? वेव फंक्शन होगा ना, यस और नो? अब आपके पास दो इलेक्ट्रॉन वेव है, दो एटम की इलेक्ट्रॉन वेव है,
दो वेव कैसे कंबाइन हो सकती हैं? वो सेम फेज में भी कंबाइन हो सकती है बड़ी वेव बनाने के लिए, और वो ऑपोजिट फेज में भी कंबाइन हो सकती है एक छोटी फेज बना जो छोटी वेव बनाने के लिए। दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना। सपोज मैंने मान लिया मेरे पास दो एटम्स है ए एंड बी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करवाना है मुझे। इसका वेव फंक्शन मान लिया मैंने साई ए, इसका वेव फंक्शन मैंने मान लिया साई बी, और अब मैं इसमें दो पॉसिबिलिटी लेने वाली हूँ। एक जब ये सेम फेज में यानी इन फेज है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने वाली है, और जब ये डिफरेंट फेज में यानी आउट ऑफ फेज है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने वाली। ठीक है, तो दो एटम हो गए ए बी, इनकी इलेक्ट्रॉन वेव है, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, वेव फंक्शन क्या है साई ए साई बी। तो पहला केस क्या आ जाता है, देखो जो पढ़ते हो ना वो रिवाइज करते रहा करो, सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर सिर्फ जब एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट होगा हम तभी पढ़ेंगे, बेसिक टॉपिक्स हैं ये तो। पीरियोडिक बार बार पढ़ते रहो, हर दूसरे चैप्टर में पीरियोडिक में पढ़ा था ना, पीरियोडिक में पढ़ा था ना, ये आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते रहो, बॉन्डिंग पढ़ते रहो, कंटिन्यूस रिविजन चलना चाहिए अपने टाइम टेबल में, डेली स्केड्यूल में ये रखो कि मुझे आधा घंटा ना पीरियोडिक पढ़ना है, आधा घंटा मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल का टॉपिक है, कभी उसकी थ्योरी उठाकर पढ़ लो क्योंकि थ्योरी भी बहुत जगह अप्लाई होगी, और कभी उसके दो चार न्यूमेरिकल्स उठाकर कर लिए। ठीक है, तो करंट के साथ साथ पीछे वाला लेकर चलो वरना दिक्कत आएगी आपको। तो केस वन, पहला केस क्या आ जाता है जब दोनों वेव्स कैसी हैं इन फेज सेम फेज में, यानी क्या आ गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये फिजिक्स में पढ़ा है ना, पढ़ा है नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, वेव ऑप्टिक्स पढ़ी है नहीं। तो दो लहरें हैं, दो लहरें मिलकर एक बड़ी लहर भी बन सकती है और एक छोटी लहर भी बन सकती, डिपेंड करता है वो कैसे आपस में इंटरैक्ट कर रही। जैसे कि सपोज ये एक वेव है, लेट्स से ऐसे एक वेव है, इलेक्ट्रॉन वेव ऐसी होगी ना, पढ़ा है ना, यस। दूसरी वेव ये है, ये ए एटम की, ये बी एटम की, ये साई ए ये साई बी। अब ये दोनों मिलकर अगर इन्होंने बड़ी वेव बना ली ऐसे, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। ये क्या बोलते हैं, दिस इज वेव लेंथ ना, है ना, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है क्रेस्ट जो है या ट्रफ का जो डिप्रेशन है वो क्या होता है वेवलेंथ है। हाँ सॉरी, वेवलेंथ तो ये है। हाँ, तो अगर ये बड़ी वेव इस तरीके से बन रही है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है इसका, तो ये कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। अगर ये छोटी बन जाती नेक्स्ट उसमें लेंगे केस में, तो ये कैसा हो जाता डिस्ट्रक्टिव। तो ये कब बनेगा, ये था साई ए ये था साई बी, ये एड होंगे तभी तो बनेगा ना, एडिटिव इफेक्ट होगा ना। तो ये वाला जो बनेगा इसका मैंने वेव फंक्शन लिख दिया फाई, ये फाई है ये साई है, दिस इज फाई एंड दिस इज साई। तो ये फाई क्या हो जाएगा साई ए प्लस साई बी, दोनों का एडिशन होगा तो कुछ बड़ा बनेगा ना, सब्ट्रैक्शन होगा तो छोटा बनेगा। तो दोनों वेव फंक्शंस इन फेज थे, सेम फेज में थे, एक के ऊपर एक ओवरलैप हुए, इंटरफेरेंस हुआ और क्या बन गई एक बड़ी वेव बन गई। इसका भी तो कुछ ना कुछ वेव फंक्शन निकलेगा, वो क्या होगा इन दोनों का एडिशन। बोलो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन थे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन हो जाए। तो पहला केस एटम में क्या हो सकता है कि दोनों एटम जब इंटरैक्ट कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरैक्ट कर ले, एडिटिवली इंटरैक्ट कर ले, और क्या हो जाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा बने जिसका वेव फंक्शन एटॉमिक इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या हो ज्यादा। ये जो फाई है दिस विल बी ग्रेटर देन साई ए एंड साई बी, क्या है समझ में आ रहा है। दूसरा केस क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, सेकेंड केस क्या हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये एक वेव थी एटॉमिक ऑर्बिटल की साई ए, इसने कंबाइन किया दूसरी वेव से साई बी, लेकिन सब्ट्रैक्टिवली कंबाइन किया, आउट ऑफ फेज थी दोनों, ठीक है आउट ऑफ फेज थी, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या बन गई छोटी वेव बन गई। हाँ, इसको उल्टा कर लो, ये लो ऐसे कर लो, ठीक है।
ये क्या हो गया फाई, क्या हो जाएगा साई ए माइनस साई बी। इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन से कम। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए हमने, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए, दो, साई ए एंड साई बी। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, इसको अपन फाई डैश लिख देते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, दो, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए साई ए साई बी, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने फाई एंड फाई डैश, एक एडिशन से और एक सब्ट्रैक्शन से। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। जितने कंबाइन होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे, दो कंबाइन किए थे तो दो ही नए बनेंगे, एक प्लस से एक माइनस से। क्लियर है? ठीक है, अब ये जो एडिटिव इंटरफेरेंस से बना है, ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना है, इसका जो वेव फंक्शन है साई दैट इज ग्रेटर देन फाई ए एंड इट इज ग्रेटर देन फाई बी, क्योंकि एडिशन से बना है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एडिशन से बन रहा है उसको क्या बोला जाएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो सब्ट्रैक्शन से बना है, दिस फाई डैश विल बी लेस देन साई ए एंड इट विल बी लेस देन साई बी। ये जो सब्ट्रैक्शन से बना है ये क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के होंगे, एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो प्लस से बना है, एडिशन से बना है, और एक होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो सब्ट्रैक्शन से बना है। क्या ये समझ में आ गया? तो दो कंबाइन हुए, दो नए बने, उन दो में से एक बॉन्डिंग है और एक एंटी बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है फाई बराबर क्या साइन, क्या डिनोट करता है? अच्छा, वेव फंक्शन। ये तो है एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन, एटम ए की जो इलेक्ट्रॉन वेव है उसका वेव फंक्शन, और एटॉमिक बी वेव फंक्शन इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन की, जब हम वेव नेचर की बात करते हैं ना तो हम उसको वेव फंक्शन के टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। वो एक वेव को समझाने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी आप ऐसा मान लो, पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है साई स्क्वायर। पढ़ा है? साई से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? साई स्क्वायर। साई स्क्वायर क्या है? साई स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल सकता है, ज्यादा डेंसिटी कहाँ है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वो हमारे ज्यादा काम की चीज है, दैट इज साई स्क्वायर। वो भी अपन आगे, इसके आगे वही करने वाले हैं अपन। तो साई बेसिकली, साई बोलो या फाई बोलो, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है और ये एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है। और वेव फंक्शन के लिए बस अब इतना समझ लो, अगर तुमने तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर याद नहीं है तो वेव फंक्शन जो इलेक्ट्रॉन वेव है उसको उसके नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे समझ लो। यार पर तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो, देन ऑल्सो अगर ऐसे डाउट्स है ना बेटा तो तुरंत जाकर रिवाइज करना एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिजिकल में न्यूमेरिकल्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, बट यू शुड नॉट इग्नोर थ्योरी बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल्स। आपका कंसेप्ट तो थ्योरी से बिल्डअप हो रहा है ना, तुमने थ्योरी मुझे लगता है बिल्कुल ही इग्नोर कर दी, न्यूमेरिकल 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 कर रखे हैं। ऐसे मत करो, बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा तुम्हें एटम का, फिर क्या करोगे केमिस्ट्री में? क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या ये चीज समझ में आ गई? ये क्या हो गया? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कंस्ट्रक्टिव से बन रहा है, और ये क्या हो गया? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तो हमने क्या किया था? वेव फंक्शंस को ऐड किया था, वेव फंक्शंस को सबट्रैक्ट किया था।
अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है, यानी साई का क्या करना है हमें, स्क्वायर। ये वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है ना माइनस करके जो अपन ने बनाया है, इसका नाम है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कंबाइन करेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करके एक छोटी वेव बना रहे हैं, कंबाइन करके सब्ट्रैक्शन, आउट ऑफ फेज हैं, सेम फेज नहीं है, आउट ऑफ फेज है, तो क्या बनेगा, एक छोटी वेव बन जाएगी ना, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, राइट। उससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है उसका नाम है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दो इलेक्ट्रॉन वेव्स ए की और बी की, ये कंबाइन करके बड़ी वेव भी बनेगी और ये कंबाइन करके छोटी वेव भी बनेगी। जब बड़ी है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब छोटी है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक को बोला है बॉन्डिंग, एक को बोला है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। चलो अब निकालते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी क्या करना है हमको, स्क्वायर। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाएगा, फाइ का स्क्वायर करोगे, फाइ का स्क्वायर का मतलब क्या है, साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर करोगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस टू साई ए साई बी, है ना। और जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो उसके लिए फाइ डैश का स्क्वायर करोगे, फाइ डैश क्या है, साई ए माइनस साई बी, इसका करना है आपको होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस टू साई ए साई बी। ये तो सिंपल मैथ्स में अपन पढ़ चुके हैं, है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वेव फंक्शन का स्क्वायर क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इट इज सिग्निफाइंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल। दोबारा समझो, साई स्क्वायर बड़ा है फाई ए स्क्वायर से, बड़ा है फाई बी स्क्वायर से, क्योंकि एडिटिव है ना। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ए और बी के एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है, और फाई डैश स्क्वायर में कम है ना, यस और नो। तो ए और बी में जो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है उससे कम प्रोबेबिलिटी किसमें है, एंटी बॉन्डिंग में मिलने की है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब ये तो डेंसिटी ज्यादा है और डेंसिटी कम है, ये वाली बात हो गई। दूसरा सवाल आता है, इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मिलेगा तो कहाँ मिलेगा और एंटी बॉन्डिंग में मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो समझो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना, इलेक्ट्रॉन जो आकर करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो किसमें, किसके बीच में होती है, बिटवीन द न्यूक्लियाई। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे ये एक न्यूक्लियस है एटम का, ये दूसरा न्यूक्लियस है, तो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मिलेगी दोनों न्यूक्लियाई के बीच में, किसमें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में है, ध्यान से समझो, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के बीच में है तो दोनों न्यूक्लियाई का रिपल्शन क्या हो चुका होगा, कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, अट्रैक्शन बढ़ चुका होगा इलेक्ट्रॉन की तरफ। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, पहला पॉइंट तो ये आ गया, देख लिया हमने। अब वो इलेक्ट्रॉन मिल कहाँ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में मिल रहा है,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में आ गया, तो एक तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का रिपल्शन क्या हो गया, कम। दूसरा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन वो बढ़ गया, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा। जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, सोच के बताओ, एनर्जी, जहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होता है वहां पर एनर्जी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां मिल रही है, इन बिटवीन द न्यूक्लियाई। क्योंकि ऐसी सिचुएशन है, इसमें अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा, एनर्जी क्या है, कम, और स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। तभी तो इंडिविजुअल एटम कंबाइन करेंगे मॉलिक्यूल बनाने के लिए, क्योंकि उनको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही होगी। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब एंटी बॉन्डिंग में समझो इलेक्ट्रॉन कहाँ है। एंटी बॉन्डिंग के केस में ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये न्यूक्लियस के बीच में नहीं होती, साइड में होती है। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में ना होकर कहां पर है, साइड में। तो अगर ये न्यूक्लिया है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां मिलेगी आपको, यहां और यहां, ऑन दी साइड्स, सेंटर में नहीं होगी। इस वजह से न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का रिपल्शन बढ़ेगा, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का ऑनलाइन में कोई बच्चा ही नहीं, माइक तो ऑन कर लिया बेटा मैंने। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल है क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ऑन द साइड्स, ऑन द साइड्स है। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का रिपल्शन क्या है, ज्यादा, या हम बोल सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, कम। अट्रैक्टिव फोर्स कम है तो एनर्जी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से आगे बहुत सारी चीजें आएंगी, स्टेबिलिटी आएगी, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी आएगी, काफी सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं? दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दोनों में से एक होगा बॉन्डिंग, दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है वो, और अगर एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? तो अगर देखो डायग्राम, सपोज मैंने एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये बनाया, ऐसे बनाते हैं ना बॉक्स, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने ये बनाया, बराबर बनाना तुम, है ना, सेम लाइन पे बनाना अपने रजिस्टर में, सेम एनर्जी वाले हैं ना। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बनेगा बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक बनेगा बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी
एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे होगी और जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर होगी, लेकिन बराबर नीचे और बराबर ऊपर नहीं करनी है। देखो इनके कॉम्बिनेशन से ये बना एक, नहीं नीचे है ना तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ना, एनर्जी कम है, और ऊपर क्या बनेगा पर एंटी बॉन्डिंग वाला ज्यादा ऊपर बनाना। अगर मैं ये एनर्जी मान लूं इनकी, पहले समझ लो इस पॉइंट को, अगर मैं ये एनर्जी मान लूं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो ये डिफरेंस क्या है एंटी बॉन्डिंग वाला, लेट से मैंने इसको वाई बोल दिया, और ये एनर्जी का डिफरेंस किसका है बॉन्डिंग वाला, लेट से मैंने एक्स मान लिया, तो वाई विल बी ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन है ये इतना ज्यादा होता है कि ये जो एनर्जी बढ़ती है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ये बराबर नहीं, ऐसा नहीं होगा कि जितनी ये कम हो रही है उतनी वो बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन क्या है बहुत ज्यादा, तो ये एंटी बॉन्डिंग बहुत ऊपर उठ जाएगा और बॉन्डिंग थोड़ा सा नीचे जाएगा। अब ये जो डिफरेंस इन एनर्जी है यानी वाई और एक्स, एक्स को बोला जाता है स्टेबिलाइजेशन एनर्जी, एक्स इज स्टेबिलाइजेशन एनर्जी, ये स्टेबिलाइज करने वाली एनर्जी है, तो वाई को क्या बोलेंगे, अगर ये स्टेबिलाइजेशन एनर्जी है तो ये हो जाएगा डीस्टेबिलाइजेशन एनर्जी, डीस्टेबिलाइजेशन एनर्जी, क्या ये समझ में आ रहा है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले और दो से एक बना बॉन्डिंग एक बना एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग ऑब्वियसली कम एनर्जी वाला बनेगा क्योंकि वो अट्रैक्शन से बन रहा है, और एंटी बॉन्डिंग ज्यादा एनर्जी वाला बनेगा क्योंकि वो रिपल्शन से बन रहा है, वो कम अट्रैक्शन से बन रहा है, पर यहाँ पर रिपल्शन इतना होता है कि इसकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है और ये काफी ऊपर होता है किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो आप ये बराबर मत बनाना, ये कम बनाना और ये ज्यादा बनाना। आ रही बात समझ में, अब देख लो कोई पॉइंट तुम्हें पूछने वाला है तो पूछ लो वरना आगे बढ़ेंगे। जो भी डाउट है मुझसे पूछो, कोई भी डाउट है मुझसे पूछो, और मैं वैसे भी इतनी धीरे पढ़ाती हूँ कि बेटा सब नहीं समझ पाए। क्लियर है, जयेश की वीडियो देखी है तुम सबने, जयेश और मेरी वीडियो नहीं देखी, जयेश और मेरी वीडियो आई है ना एक्सपेरिमेंट करते हुए। जलवा है जयेश का, हाँ जयेश की वजह से मैं भी फेमस हो गई। यहां तक क्लियर है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सिंबल क्या पढ़ा था अपन ने, सिग्मा पाई डेल्टा, तो ऐसे तो नहीं कर सकते ना, इसको भी सिग्मा बोले उसको भी सिग्मा बोले, दोनों अलग अलग है ना, तो जब आप बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करोगे, जब आप बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करोगे तो बॉन्डिंग में क्या आएगा, सिग्मा पाए डेल्टा, और जब आप उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग की बात करोगे तो आ जाएगा सिग्मा स्टार पाए स्टार और डेल्टा स्टार। तो अगर कहीं स्टार लगा हुआ है मतलब वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग, जैसे एक्साइटेड स्टेट को अपन स्टार से शो कर देते हैं ना, हाई एनर्जी वाली स्टेट को अपन स्टार से, जैसे अगर कार्बन लिखा हुआ है तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया, और कार्बन पर ऐसे सितारा बना दिया तो एक्साइटेड स्टेट, हाई एनर्जी वाली स्टेट हो गई, वही है यहाँ पर, सिग्मा है तो बॉन्डिंग है और अगर सिग्मा स्टार है तो एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है क्या, चलो कुछ एग्जाम्पल से करते। अच्छा अगर मैं अब आपसे बोलूँ कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अपने आप डिफरेंसेस लिख दो, लिखो अपने आप,
बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंसेस, जितने डिफरेंसेस तुम लिख सकते हो, देखिए तुम्हें कितना समझ में आया, जितने डिफरेंसेस तुम लिख सकते हो। हिमानी क्या हुआ? अपनी विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाओ, इमेजिनेशन पावर को बढ़ाओ। अगर किसी भी फैकल्टी के कुछ बोलने पर या फैकल्टी के किसी के भी कुछ बोलने पर अगर तुम पिक्चर नहीं बना पा रहे हो दिमाग में, मतलब तुम उस चीज को नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, तुम्हारा दिमाग एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा उस चीज को। मैंने ये बात ज्ञान ना तुम्हें पहले भी दिया हुआ है, हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ पिक्चर समझता है। पिक्चर बनाकर दिमाग को समझाओगे तो उसको समझ में आएगा, साउंड नहीं समझता वो। तुम ऑडियो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो या फैकल्टी को सुनते रहो, पिक्चर नहीं बना रहे हो दिमाग में, तुम्हें लगेगा हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और आ भी नहीं रहा होगा। बट अगर मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन वेव है तो इमेजिन कर लो ना वेव, दूसरी इलेक्ट्रॉन वेव है तो इमेजिन कर लो दूसरी इलेक्ट्रॉन वेव है। अब वो मिलकर बड़ी वेव बन रही है तो बड़ी वेव इमेजिन कर ली, मिलकर छोटी वेव बन रही है तो छोटी वेव इमेजिन कर ली। अब मैं बोल रही हूँ दो मिल रही है तो दो वेव बन रही है, एक बड़ी एक छोटी, एक बॉन्डिंग बन रहा है एक एंटी बॉन्डिंग बन रहा है। दिमाग को पिक्चर दोगे तो उसको कंसेप्ट समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, गारंटी है। इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ भाई अपनी। डू यू पीपल इमेजिन योरसेल्फ मे बी 5 years बियॉन्ड दिस टाइम? Do you people imagine yourself 5 साल बाद देखते हो अपने आप को कहीं? बहुत जरूरी है ये करना। 5 साल बाद तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? बैठकर रोज 5 मिनट इमेजिन करो इस चीज को। तुम्हारी क्या लाइफ चल रही है, तुम अपने लिए क्या लाइफ चाहते हो, ये इमेजिन करो। और ये धीरे धीरे अपने आप में आदत डालो। कोई भी तुमसे बात करे, जैसे मुझे बहुत जबरदस्त आदत है, आप मुझसे कुछ भी बोलोगे ना मेरे दिमाग में उसकी पिक्चर बनना शुरू हो जाएगी, कुछ भी एनीथिंग। मैं कॉल पे भी अगर बात कर रही हूँ ना तो जो कॉल में सामने बंदा बोल रहा है उसकी पिक्चर मेरे दिमाग में चल रही है। सो ये आप जब आपस में बात कर रहे हो, कोई आपसे कुछ बोल रहा है, कुछ आप सुन रहे हो, ट्राई टू मेक अ पिक्चर आउट ऑफ इट। ग्रेजुअली यू विल डेवलप दिस हैबिट ऑफ विजुअलाइजेशन, अपने आप दिमाग में बन जाएगी पिक्चर और चीजें बहुत ईजिली और जल्दी समझ में आने लगेंगी। लिखे डिफरेंस कितने लिखे? अच्छा, और देखो पहला डिफरेंस क्या है, किस तरीके से बन रहे हैं। बॉन्डिंग बन रहा है कंस्ट्रक्टिव से, एंटी बॉन्डिंग बन रहा है डिस्ट्रक्टिव से। इसी को ये किसी ने लिखा होगा, ये एडिटिव इफेक्ट से बन रहा है, वो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से बन रहा है ना। एडिटिव सब्ट्रैक्टिव का मतलब है जब बॉन्डिंग बनेगा तो ऐसे ऐड होंगे, साइन पड़े ना एटॉमिक ऑर्बिटल के प्लस और माइनस, तो या तो प्लस प्लस चल रहा होगा या माइनस माइनस चल रहा होगा, किस में? बॉन्डिंग में। और एंटी बॉन्डिंग में क्या आ जाएगा? प्लस और माइनस, आउट ऑफ फेज आ जाएंगे ना, राइट? तो ये पहला पॉइंट हो सकता है। दूसरा, अट्रैक्शन ज्यादा है बॉन्डिंग में, इधर कम है। तीसरा, स्टेबिलिटी का आ सकता है, बॉन्डिंग में स्टेबिलिटी ज्यादा है, एंटी बॉन्डिंग में कम है। चौथा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, बिटवीन द न्यूक्लियस है या साइड्स में है। और डेजिग्नेशंस लिख सकते हो, साय और ये डेल्टा स्टार और ये सब। और एनर्जी लिख सकते हो कि इसकी एनर्जी कम है इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से, इसकी एनर्जी ज्यादा है एटॉमिक ऑर्बिटल से। अगर ये सारे पॉइंट्स तुमने लिखे हैं, मतलब तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। लिखे, चले आगे। अब ये जो चीज हमने ऐसे थ्योरी में पढ़ी है ना, इसका अपन एग्जाम्पल लेकर करते हैं। जैसे सपोज एस और एस का कॉम्बिनेशन करवा रहे हैं तो बॉन्डिंग कैसा बनेगा और एंटी बॉन्डिंग कैसा बनेगा। एग्जाम्पल ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है? लिखो हेडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ LCAO, एग्जाम्पल्स ऑफ LCAO।
तो सपोज आपके पास दो एस ऑर्बिटल है, कोई भी हो, 1s 1s हो, 2s 2s हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास ये एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये दूसरा एस एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब क्योंकि मैंने सेम साइन लिए है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो एड होंगे, ये एड होकर एक बड़ा बन जाएगा। एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा, ये क्या बना, ये एस एस, ये क्या बना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा बनेगा डेफिनेटली, क्योंकि एस एस की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो ये बन जाएगा सिग्मा। अभी अगर 1s थे तो ये सिग्मा 1s बन जाएगा, ये 2s थे तो ये सिग्मा 2s बन जाएगा। आ रही बात समझ में? सपोज आपने इनको आउट ऑफ फेज ले लिया, एक प्लस ले लिया, एक माइनस ले लिया, अब क्या होगा, ये काटेंगे ना एक दूसरे को, तो एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, साइड में है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, साइड में है, ऐसे बीच में क्या आ जाएगा, नोडल प्लेन, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, क्योंकि एंटीबॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, साइड्स में। आ रही बात समझ में? ये क्या बन जाएगा, एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बोलो, यस। ऐसे ही हम पी और पी की भी कर सकते हैं, तो ये एक पी ऑर्बिटल है और ये कंबाइन हो रहा है दूसरे पी ऑर्बिटल से इन फेज, कंस्ट्रक्टिव होगा, ये दोनों मिलकर एक बड़ा लोब बन जाएंगे और ये दोनों साइड्स में एज इट इज रहेंगे, तो बीच में आ गए एक बड़ा लोब और साइड में आ गए दो छोटे लोब। ये तो आ गया प्लस, ये आ गए माइनस, ठीक है। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो ये सिग्मा बन जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है, ये क्या बन गया, इससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर इनको आपने आउट ऑफ फेज ले लिया होता, ये बन गया प्लस माइनस और ये बन गया माइनस प्लस। अगर आपने आउट ऑफ फेज ले लिया होता तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते, कैसे बनते, ये कैंसिल आउट करके छोटे छोटे लोब बन जाते, ये इनके कंपैरिजन में बड़े लोब रहते, तो यहां पर एक बड़ा लोब बन जाता और एक छोटा लोब, और यहां पर भी एक बड़ा लोब बन जाता और एक छोटा लोब। अगर ये आपने लिख दिया प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये आ गया इनके बीच में नोड। क्या ये आ रहा है समझ में, ये क्या बना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है, ये बनता साई, सॉरी सिग्मा, ये बनता सिग्मा स्टार, यहां पर ये बनता सिग्मा, ये बनता सिग्मा स्टार। बोलो, पी ऑर्बिटल कोलेटरल भी तो हो सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस पाई बॉन्ड भी तो बन सकता है, वो देखो कैसे बनेगा। ये पी ऑर्बिटल और ये एक पी ऑर्बिटल, कंस्ट्रक्टिवली क्या होगा, ये दोनों मिलकर एक बड़ा लोब बनाएंगे, ये दोनों मिलकर एक बड़ा लोब बनाएंगे परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये रहा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ऊपर वाले दोनों मिलकर एक बड़ा लोब बन गए और नीचे वाले दोनों मिलकर एक बड़ा लोब बन गए। ये परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो बोल दो कि पाई बन जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर ये 2px थे तो पाई 2px बन जाएगा, अगर ये 2py थे तो पाई 2py बन जाएगा। आ रहा है समझ में? अगर आउट ऑफ फेज कर दिया इनको ऐसे परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये रहा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अब क्या होगा, ये रिपेल कर रहे होंगे, है ना, ये दोनों रिपेल कर रहे होंगे, ये दोनों रिपेल कर रहे होंगे, तो कैसे बनेगा, ऐसे।
दूर भाग रहे होंगे ना, राइट right. अब देखो इसमें एक नोडल प्लेन तो ये है, न्यूक्लिया है जहां पर लाई कर रहे हैं, और एक ये है, दूर भाग रहे हैं ना, राइट right. ये क्या हो जाएगा, पाए स्टार, क्या ये समझ में आ रहा है? अब ये सब तो बेकार चीजें थी, इंपॉर्टेंट चीज तो अब आएगा, ये सब तो अभी अपन बस टीजर होता है ना, भूमिका बांध रहे थे, तो अपन ने भूमिका बांध दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। अब एक्चुअल आएगा जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, कॉन्फिगरेशन, अब एक्चुअल बात आएगी। और ये एक्चुअल बात सबसे ईजी है, ये थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो। कर दूँ रब, बना लिया? हेडिंग लिखो एनर्जी लेवल डायग्राम्स, एनर्जी लेवल, टाइम का क्या हो रहा है? हाँ हाँ लिखो तो सही, एनर्जी, टाइम बहुत अच्छा चल रहा है बेटा, एनर्जी लेवल डायग्राम्स, टाइम वाकई में बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ क्या सेल्फी नहीं भेजी? हम भूल गए होंगे, भेज दूंगी अभी, भूल गई। हाँ हाय भी नहीं भेजा, हमारी हाय हाय मच गई फिर। हाँ इंतजार कर रहे थे तुम हाय का, लिखो हेडिंग एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। अब ऑब्वियसली क्योंकि तुम नीट का एग्जाम देने वाले हो, ऑब्जेक्टिव में ये तो आएगा नहीं, वेरी वेरी रेयर चांसेस को इतने बड़े बड़े डायग्राम तुम्हें बना कर देगा, लेकिन ये समझ, सिर्फ ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगी। इंपॉर्टेंट इज कॉन्फिग्रेशन, जैसे एटम का कॉन्फिग्रेशन लिखते हो ऐसे आपको मॉलिक्यूल का भी कॉन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा। मॉलिक्यूल का कॉन्फिग्रेशन लिखोगे तो पता चलेगा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ज़्यादा है या एंटी बॉन्डिंग में है। अगर बॉन्डिंग में ज़्यादा है तो स्टेबल, अगर एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है तो अनस्टेबल है ना। फिर वो सारी, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक, वो जो सारे लिमिटेशंस हमने पढ़े थे ना वो अब इसके कॉन्फ़िगरेशन से आएंगे। तो एनर्जी लेवल डायग्राम जब अपन पढ़ते हैं तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको दूंगी कैसे डायग्राम बनाना होता है, कैसे बनता है, ताकि बुक्स में देखो मॉड्यूल में देखो तो समझ में आ जाए। तो एज अ कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगी, फिर उसके बेसिस पर अपन क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। वो सीक्वेंस, वो सीक्वेंस एज इट इज है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, वही वाली सीक्वेंस है। सिर्फ अब हमें क्या करना है, अगर आप पहले सिर्फ 1s लिखते थे तो अब हमें उसमें सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s ये करना है, क्योंकि एक एटम का 1s लिया आपने, दूसरे एटम का भी 1s लिया तो दो बनेंगे ना, दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक सिग्मा और एक सिग्मा स्टार। तो जहां आप एटम में 1s लिखते थे, अब एक का 1s और दूसरे का 1s ले लिया, तो यहां पर आपको उस 1s के लिए क्या लिखना है, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। जहां आप वहां 2s लिखते थे अब आ जाएगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। आरएसएन में जहां आप वहां 2p लिखते थे, जहां आप वहां पर 2p लिखते थे और 2p में होते थे तीन ऑर्बिटल, तो तीन ऑर्बिटल इसके और तीन ऑर्बिटल इसके, तो उस एक 2p के लिए यहां अपन को मैक्सिमम छह चीजें लिख सकते हैं।